और चक्कर आ जाते हैं और सपने बंद नहीं है सपने।, सपने में क्या क्या दिख रहा है सपने में जो है तुम आ गए हाँ। तो तुम्हें आम को अच्छा बालाजी सरकार के भक्त हैं बागेश्वर बालाजी देखो तीस पे भी लिखा है इनके साधु जी सीताराम तो यही भैया बताएंगे वहाँ जाकर इनको क्या लाभ हुआ क्या लाभ हुआ आपको वहाँ जाए वाँ जाए तो बहुत फायदा हुई थी क्या फायदा हुआ इतनी पायदा थी मतलब पहले मैं कुछ नहीं जानता भगवान के बारे में भगवान का नाम भी नहीं लेता था मतलब अब से बहुत सुविधा थी अच्छा अब भगवान को भी मान रहे हैं हम सीताराम जपते हैं पहले तो मतलब जान जाब बोलते भी नहीं थे अब तो भगवान की पूजा भी करते हैं आपको कुछ ऐसा लाभ हुआ परेशानी जो जीवन में थी वो ठीक हुई आपकी परेशानी परेशानी बस बस ठीक है अच्छा पहले क्या प्रॉब्लम होती थी आप? पहले प्रॉब्लम बहुत थी क्या क्या मतलब प्रॉब्लम बहुत मतलब परेशान था।, था मैं अच्छा क्या क्या, क्या परेशानियाँ थी मतलब बहुत गंत गंत ख्याल आते थे अच्छा और जब, जब से दम गया ना तब से पूरे ख्याल दूर हो गए दिल में श्री राम बस गए बस अच्छा हाँ दिल में जो की है श्री राम बस चुके हैं आपको भगवान सभी के दिलों में श्री राम बस जाये ये बहुत अच्छी बात अच्छी बात है ना और क्या नाम है भैया आपका अपना उदय सिंह नाम है उदय सिंह तो ये उदय सिंह भैया हैं और जैसा कि देख सकते हैं उदय सिंह भैया की जो माता जी हैं मम्मी माँ हैं उनकी तो उनसे भी मिलवाने वाले हैं माता जी आप भी कहीं कहीं बागेश्रधाम नहीं गए नहीं गए तो अपनी माँ को कब ले जा रहे हैं आप वहाँ बागेश्वर धाम माँ अगर जाएंगे जब इच्छा होगी जब चले जाएंगे गुरुजी बुलाएंगे तो अच्छा हाँ। तो आप हमें बताओ गुरुजी ने आपको बुलाया है कभी? हाँ। गुरु गुरुजी बुलाते हैं जब तो जाते हैं अच्छा हाँ। कब बुलाया था आपको मतलब जब गए ना पहले जब गुरुजी ने बुलाए थे क्योंकि हाँ। पैसे की जुगाड़ भी नहीं थी हाँ। जब बिन के पास जाना था ना तो पैसे की जुगाड़ हो गई सब हाँ। चीज मतलब सोल्व कर दी अच्छा हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है भाई बहनों पैसे की भी जुगाड़ हो गई और उनने मतलब सारी व्यवस्था सोल्व कर दी सोल्व कर दी हाँ तो आपको कितना टाइम लगा वहाँ पहुँचने में मतलब जहां नहीं जहाँ से थे, थी मतलब सात आठ बजे पहुंच गए पर। अच्छा। हाँ। तो आप हमें ये बताओ क्या मांग कर आए हैं आप बागेश्वर बालाजी से बागेश्वर धाम से मांग कर आए बस मेरे मतलब पिताजी अच्छे हो हुए अच्छा। हाँ। तो पिताजी को अब आराम लग रहा है मतलब नहीं आराम नहीं पा रहा है मतलब <laughs> <laughs> क्या प्रॉब्लम है पिताजी को समस्या मतलब अभी नहीं बहुत जानी समस्या है क्या, क्या? तो भी नहीं है मतलब कनेक्ट क्या है बीमारी डॉक्टर पे ली देवतन पे घूम आ कुछ आराम नहीं मिलता अच्छा ऐसी क्या समस्या है जो आराम में नहीं मिल रहा है क्या माता जी बहुत दुनिया देश में, क्या वो देश में के पर कोई आराम नहीं अच्छा बोलते हैं है? बातचीत करते हैं तो जैसा कि देख सकते हैं इनके जो पिताजी हैं और इनसे जो ये मिलवाने वाले हैं क्या समस्या आपको है? रहते हैं तो। क्या तकलीफ रहती है वो तो सौ तकलीफ है, जाते अच्छा। कुन बताओ तो है। एक के बारे में है जो हमें बताओ तो बागेश्वर बाग बालाजी से हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी थोड़ी बहुत जल्दी तकलीफ में आराम में बुखार नहीं उतर टूटता नहीं हाँ हाँ वो तो आती रहे तो का और चक्कर आ जाते है वो सपने बंद नहीं है ऐसे पापा सपने में क्या क्या दिख रहा है सपने में जो मैं कहा बस तुम आ गए हाँ। तो तुम्हें यहाँ जाऊँगी संजय से यहाँ को अच्छा हाँ सोले सोले आप आ होगा हाँ वो ऐसे ही रहा होगा अच्छा बस तुम आए सुबह बस तकलीफ भी बहुत ज़्यादा अच्छा था अच्छा पहले कब से हो रही है आपको ये प्रॉब्लम वो तो जो मान चले आठ नौ साल है आठ नौ साल से बहुत ज़्यादा ही परेशान परेशान है भाई तो, तो बंधन आया अच्छा तो आपने जो वहाँ अर्जी लगाई बागेश्वर बालाजी अर्जी हमारी कहाँ लाई अच्छा अर्जी नहीं चिंता मत करिए आप लग जाएगी बहुत ही जल्दी अर्जी भाई के बात है देखो अब दुनिया अब सुन रही है तो जो सुना सुना चले जाते है क्या बच्चा को ठीक कह है रहे हैं तो हमारे तंदूर आराम हम तो भी मिलेगा गो हमारे जो तोड़ी कह रहे हैं कि नहीं हमारे ठीक है ही है जहाँ चाप हाँ तो भैया आप कितनी बार इन्हें लेकर गए वहाँ एक, एक, एक बार गए तो आप कभी और जाए तो इन्हें दो एक बार वहाँ लेकर जाइए आप जाएंगे तो आपने एक बार गए तो बागेश्वर बालाजी के दर्शन करे आप हम दर्शन करे मंदिर के हाँ मंदिर के अच्छा। भाई कितनी देर में आप गुरुजी आपको... के भाई गुरुजी के भाई हाँ तो उनसे कुछ कहा कहे को मौको तो ही नहीं, नहीं मिला बे भाई मैं कुछ नहीं सुनते तो जनता में जनता बहुत है कितनी जनता कितनी यहाँ भीड़ हो जाती बहुत बहुत भीड़ है रात में देखो जैसा कि गाइस देख सकते हैं इनके जो है भक्त हैं जो उनका लड़का ही भक्त है और जो है पिताजी को अभी आराम नहीं है अर्जी उनकी जो है अभी लगी नहीं है तो दोबारा जो, जो ही नहीं गए आराम मिलो ना तो फिर दोबारा का जाओ नहीं आप एक आध बार और जाइए कर आइए तो आठ नौ साल से आप ऐसे ही परेशान करा रहे हैं खूब ऐसे करा पर आराम ना मिल रहा बुखार में कोई आराम आ, आ, है। बुखार आता है और खांसी और तो बंद नहीं बस ये तीन ही चीजें आप परेशान परेशान है डॉक्टर वगैरह को दिखाए सब देखा ले का सारा करा ली जाँच करा ली कोई बोलो ने क्या कहते हैं वो तो भी बताते टीवी की बीमारी बता रहे हैं तो छह छह महीने भी गोली का ली बिन तो तो बुखार नहीं जा रहा और भी तकलीफ हो जाती अच्छा तो तो अब क्या करें वो बोलो तो था था। क्या तो आप तो जैसा कि और भी बता रहे हैं कि भैया की टीवी की बीमारी है लेकिन ऐसी कैसी बीमारी है भाई हाँ, आराम दवाई अच्छा। खा खा रहे थे रहे थे बिनते और है आपकी तबीयत जो जा रही है हाँ बिगड़ती जा रही है जैसा कि गाइस आपको जो है मिलवाया और जो उनके भक्त हैं उनसे ही मिलवाया पिताजी उनके एक बार गए आशा करते हैं बागेश्वर वाला तो जी से के। करते आ, सही कर चलो बहुत। जल्दी ने आराम जो है से नहीं टूर रहे भी नहीं अच्छा। हाँ हुए ना हुए अच्छे पर भी नहीं विश्वास नहीं टूरेंगे हम ये तो बात सही है हाँ। ये तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जाने से थोड़ा बहुत तो आपको लाभ मिला होगा लाभ लाभ नहीं तो आपके बच्चे को मिला होगा अरे तो बच्चा सुना तो रव है लेकिन अभी इनके जो पिताजी को लाभ अभी नहीं मिला आ, आना ही मिलेगा नहीं नहीं। और जाओ आप उन पर भरोसा रखो भरोसा ही रखे तो लाभ मिलेगा हमारा तो जो कर जो, जो, जो जब, तक जब तक पिरान करेंगे जब तक भरोसा ही है हमारा समझ में पिरान करे जहाँ पर भरोसे हम भी ना बदनाम नहीं करेंगे कि नहीं अब नहीं तोड़ आगे सही हाँ समय आ जाओ देखा आपने गाइस ठीक है तो फिर क्या करेंगे भगवान ऐसा कुछ नहीं होगा भगवान बहुत जल्दी आपको हनुमान जी महाराज आराम देंगे ठीक है गाइस आज के लिए इतना ही बस मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में ठीक है गाइस